चीन, ईरान और इटली में महामारी बने कोरोना वायरस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी घोषित कर दिया है। भारत ने कोरोना वायरस के मद्देनजर विदेश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस प्रतिबंध से राजनयिकों, अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी। ये प्रतिबंध कल दोपहर से लागू हो जाएगा। साथ ही सरकार ने भारतीय नागरिकों को भी गैर जरूरी विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर वे कहीं से भी यात्रा करके वापस लौटते हैं तो उन्हें कम से कम 14 दिन तक लोगों से अलग रखा जा सकता है। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60 तक पहुंच गया है। दुनिया में कोरोना से अब तक 4300 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, जल्द ही हालात काबू में होंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से बस अड्डों पर सैनिटेशन सेंटर बनाने के लिए कहा है। सरकार ने यह भी फैसला लिया कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही भारतीय पोर्ट पर एंट्री होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया। हालांकि परीक्षाएं पहले की तरह होती रहेंगी। जम्मू के सभी सिनेमा हॉल भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से मिजोरम की राजधानी आइजोल में आयोजित होने वाली हीरो संतोष ट्रॉफी 2019-20 के फाइनल राउंड को टाल दिया है। AIFF ने इस संबंध में उन राज्य संघों को भी पत्र लिखा है जिन्होंने संतोष ट्रॉफी 2019-20 के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड 14 से 27 अप्रैल तक मिजोरम की राजधानी आइजोल में खेला जाना था। लखनऊ में हिंसा के कथित आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज सुबह 10:30 बजे यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को लखनऊ में लगाए गए पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर वसूली के लिए 57 कथित प्रदर्शनकारियों के पोस्टर 16 मार्च तक हटाने का आदेश दिया था। साथ ही लखनऊ के DM और कमिश्नर को हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली दंगे को सुनियोजित साजिश बताया। लोकसभा में जवाब देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए 300 से ज्यादा लोग यूपी से आए थे, ये गहरी साजिश थी। साथ ही उन्होंने कहा, जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। अमित शाह ने कहा, हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी, आगजनी करने वालों की संपत्ति जब्त होगी। गृहमंत्री ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे के अंदर दिल्ली हिंसा पर काबू पाया। हिंसा में 52 भारतीयों की मौत हुई। अब तक 700 से ज्यादा FIR दर्ज की गई, 1100 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई और 2647 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह के जवाब से पहले कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली हिंसा न रोक पाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार बालाकोट में स्ट्राइक कर सकती है लेकिन दिल्ली में हिंसा नहीं रोक पाती। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने NSA डोवाल के दिल्ली की सड़कों पर उतरकर दंगे कंट्रोल के लिए तारीफ की। पूछा, जब दिल्ली जल रही थी तब गृहमंत्री कहाँ थे? वहीं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगों की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने की मांग की। ओवैसी ने कहा, लोगों को सरकार की SIT पर भरोसा नहीं है। दिल्ली दंगों पर जारी ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में दंगे एक सुनियोजित साजिश के तहत भड़काए गए। लेफ्ट जिहादी मॉडल और अर्बन नक्सलियों ने दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में दंगों की योजना बनाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में भड़के दंगे 70 दिनों की तैयारी का नतीजा थे। GIA ने दिल्ली दंगों की जांच NIA से कराने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि शाहीन बाग प्रदर्शन में PFI की फंडिंग पर NIA जांच कराई जानी चाहिए। दिल्ली हिंसा के आरोपी आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ED ने ताहिर हुसैन के PFI के साथ रिश्तों को लेकर भी जांच शुरू कर दी। दंगों में हुई फंडिंग को लेकर भी ED जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के SIT टीम ने बुधवार को ताहिर हुसैन के 3 करीबियों को गिरफ्तार किया। इरशाद, शादाब और आबिद तीनों आरोपी हिंसा वाले दिन ताहिर हुसैन के घर की छत पर मौजूद थे। तीनों आरोपी मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं।
दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्य दानिश से पूछताछ में कई खुलासे हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पूछताछ में पता चला कि पीएफआई दंगों में शामिल था। पीएफआई ने दंगाइयों को फंडिंग भी की थी। दानिश ने बताया कि दंगे की बड़े लेवल पर तैयारी की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस जानकारी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है, साथ ही भड़काऊ भाषणों की जाँच भी की जा रही है। अठारह साल तक कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी अध्यक्ष ने सिंधिया को भरोसा दिया कि उन्हें बीजेपी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा का टिकट दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब एमपी में महाराज और शिवराज साथ साथ चलेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में तबादला उद्योग चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने वे तीन अहम कारण बताए जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वास्तविकता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, नए नेतृत्व को मान्यता नहीं मिल रही है और मध्य प्रदेश को लेकर जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। बीजेपी का दामन थामने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी तो हमने एक सपना पिरोया था, लेकिन 18 महीने में वो सारे सपने बिखर गए। चाहे वो किसानों के कर्ज माफ करने की बात हो या फिर पिछले फसल का बोनस ना मिलने की बात हो, ओलावृष्टि से बर्बाद हुए फसलों का भी मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया कभी भी मेरे घर आ सकते थे। राहुल ने कहा कि वे कांग्रेस के इकलौते ऐसे सदस्य थे जो कभी भी उनके घर आ सकते थे। राहुल गांधी ने मिलने का समय न देने की खबरों को गलत बताया। आपको बताएं कि बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रही। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम और तेज हो गया है। कांग्रेस के बागी और सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। बागी विधायक इमरती देवी और देवास से कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी ने वीडियो जारी करके सिंधिया के समर्थन का दावा किया। दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, वो सदन में बहुमत साबित करने में कामयाब रहेगी। मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को भोपाल से शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस ने 88 और 2 निर्दलीय विधायकों को भोपाल से जयपुर भेज दिया। कांग्रेस गठबंधन के 90 विधायक जयपुर के रिसोर्ट में रुके हुए हैं, जबकि बीजेपी ने अपने विधायकों को भोपाल से दिल्ली और फिर गुरुग्राम के होटल में शिफ्ट कर दिया। गुरुग्राम के होटल में बीजेपी के 6 विधायक रुके हुए हैं। बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया है। तेलंगाना में करीम नगर से बीजेपी सांसद बंडी संजय को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के केंद्रीय नेतृत्व ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। पार्टी ने कहा संजय की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। पहली बार सांसद चुने जाने के तुरंत बाद बंडी संजय को प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला। बीते कुछ समय से तेलंगाना की राजनीति में संजय अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस चार्ज का झंझट खत्म कर दिया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब बैंक के ग्राहक अकाउंट में अपने हिसाब से बैलेंस रख सकेंगे। बैंक की तरफ से इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बैंक ने SMS चार्ज को भी माफ कर दिया है। लंबे समय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिनिमम बैलेंस चार्ज वसूली को लेकर आलोचना हो रही थी। बहरहाल बैंक के इस फैसले से करीब 40 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक ने जमा ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम के खुदरा जमा योजनाओं के ब्याज दरों में 0.10% से 0.50% की कटौती की है। इसके साथ ही सभी तरह के बचत खाते पर ब्याज दर को घटाकर 3% सालाना कर दिया है। अभी SBI बचत खाते में 1 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 3.25% का ब्याज देता है।
जबकि 1 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि पर 3% ब्याज का भुगतान ग्राहकों को करता है, लेकिन अभी सभी बचत खातों में 3% का ही ब्याज मिलेगा। ब्याज दर में कटौती की गई दरें 10 मार्च से लागू होंगी। लखनऊ में गोमती नगर विस्तार चिन्हट के कई इलाकों में तेंदुआ दिखे जाने से लोग दहशत में हैं। लोगों से मिली जानकारी के बाद वन विभाग की टीम ने गोमती नगर के कई इलाकों में डेरा डाला और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया, साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की गयी।